वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। इससे पहली वीडियो में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक न्यू एंट्री होती है किसकी, अशोक की, और फिर रवि इससे क्वेश्चन करता है कि क्या आप न्यू एडमिशन हो वगैरह, जो हमने देखा था। फिर कहाँ तक पहुँचे थे हम कल कि उन्होंने कुछ डिक्शनरी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। फिर इसके आगे देखते हैं तो आनंद बोलता है, दैट्स अ गुड आइडिया, व्हेन आई रीड अ बुक I sometimes want to look up the meaning of new words in the dictionary, but very often I feel lazy and decide not to. अब आनंद यहाँ पर कहता है कि ये एक अच्छा है, जो डिक्शनरी का यूज़ करना होता है वह अच्छा है, लेकिन जब मैं बुक पढ़ता हूँ और मैं कभी कभी कुछ न्यू वर्ड्स की जो मीनिंग ढूंढता हूँ डिक्शनरी में, लेकिन क्या होता है, मैं कई कई बार क्या होता है, लेजी फील करने लग जाता हूँ, मुझे आलस आ जाता है ढूंढते ढूंढते, और फिर मैं उसे नहीं ढूंढने का प्रयास करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अब मैं इसको नहीं ढूंढूंगा। फिर रवि बोलता है, बट सपोज यू आर राइटिंग एंड डोंट नो हाउ टू स्पेल अ वर्ड, वुड यू लुक इट अप देन। फिर रवि बोलता है कि तुम सपोज तुम सोचो कि यदि तुम कुछ शब्द लिख रहे हो और तुम्हें नहीं मालूम है किसकी स्पेलिंग क्या होगी, उसे किस टाइप से लिखना चाहिए, तब तुम क्या करोगे, जरा इसके बारे में थोड़ा सा सोचो। फिर आनंद बोलता है, देन आई वुड हैव टू लुक द वर्ड अप, इफ आई स्पेल वर्ड्स रॉन्गली माई राइटिंग विल बी फुल ऑफ मिस्टेक, आई डोंट लाइक इट। यदि मैं जब वर्ड्स को लिखूंगा और यदि मैं उनकी स्पेलिंग को गलत लिखूंगा तो मेरी जो राइटिंग है वो कैसी लगेगी, मुझे रॉन्ग लगेगी और पूरी भरी हुई रहेगी, किससे, मिस्टेक से भरी हुई रहेगी, इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है। फिर रवि बोलता है, यू आर राइट, We don't like to make mistakes. रवि बोलता है कि तुम सही हो, हम गलती करना पसंद नहीं करते। अशोक, and we won't make mistakes if we are carefully. We must not make mistakes for two reasons. अब अशोक क्या बोलता है, and we won't make mistakes if we are careful. यदि हम सावधानी पूर्वक काम करेंगे, हम सावधान रहेंगे, तो क्या करेंगे, हम गलतियां नहीं करेंगे। वी मस्ट मेक मिस्टेक फॉर टू रीजन, और हम इन दो रीजन से मिस्टेक को नहीं करेंगे। फर्स्टली इट शोज दैट वी आर लेजी एंड सेकेंडली इट इज़ ऑल्सो बैड मैनर्स। मतलब पहली बात उसने यहाँ पे दो बातें बोली हैं, हम मिस्टेक कब नहीं करेंगे, पहली बात किस रीजन से नहीं करेंगे, जब हमें आलस आएगा, मीन्स हम लेजी फील करेंगे तब, और दूसरी ये क्या है, एक बैड मैनर्स है। आनंद बोलता है, वॉट हैव मैनर्स टू डू विथ मेकिंग मिस्टेक, गलती करना ये किस टाइप का मैनर है। तो रवि बोलता है, परहेज अशोक इज राइट, मीन्स रवि का कहना है कि अशोक सही है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट गुड मैनर्स इज दैट दे प्लीज पीपल। मतलब कि क्या है, यहाँ पे एक गुड मैनर के सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वह पीपल्स को आग्रह करें, और मिस्टेक मेक रीडर्स अनहैप्पी, हमारी जो गलतियाँ हैं वह रीडर्स को, यानी कि रीडर्स मतलब क्या होता है, जो पढ़ने वाले होते हैं उनको क्या करती है, अनहैप्पी करती है, यानी कि उनको दुखी करती है। आनंद बोलता है, लुक देयर इज अ हेडमास्टर। फिर क्या होता है, अब यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कौन होते हैं, उनके हेडमास्टर होते हैं। हेडमास्टर बोलते हैं, हेलो बॉयज हाउ आर यू, हेलो बॉयज आप कैसे हो, डू यू लाइक योर न्यू स्कूल अशोक। फिर वह अशोक से पूछते हैं कि क्या आपको आपका जो नया स्कूल है वह पसंद आया। अशोक बोलता है, यस सर आई हैव मीट आनंद एंड रवि। अशोक क्या बोलता है, जी सर मुझे नया स्कूल पसंद आया है, मैं आनंद और रवि से मिला हूँ, एंड दे हैव बीन फ्रेंडली, और अब हम क्या हो चुके हैं, अच्छे फ्रेंड्स हो चुके हैं। दे हैव मेड मी फील एट होम इन अ न्यू प्लेस, और इन्होंने मुझे कैसा महसूस कराया है कि इस नए जगह पर भी मेरा क्या है, मेरे लिए घर की तरह महसूस कराया है कि मैं अपने घर पर ही हूँ। दे आर टेकिंग मी राउंड द स्कूल, और उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, इस स्कूल का राउंड लगाया है। हेड मास्टर, दैट्स वेरी फाइन, यह बहुत अच्छा है। हेड मास्टर क्या बोलता है कि दैट्स वेरी फाइन, मीन्स यह बहुत अच्छा है। इट्स नाइस टू बी फ्रेंडली टू स्ट्रेंजर्स, यह बहुत अच्छा होता है कि जब हम अजनबियों के साथ क्या हो जाते हैं, फ्रेंडली हो जाते हैं, मीन्स उनके फ्रेंड बन जाते हैं। दे आर वेयर आर यू गोइंग नेक्स्ट, मीन्स इसका मतलब क्या होता है, वेयर आर यू गोइंग नेक्स्ट, मतलब अब आगे तुम कहाँ जाओगे। तो रवि बोलता है, यस सर विल बी सून अशोक एंड अवर साइंस लेबोरेटरी एंड द स्कूल म्यूजियम नेक्स्ट। फिर रवि क्या बोलता है, अब हम अशोक को हमारी जो साइंस लेबोरेटरी है, साइंस की जो लैब है, वह दिखाएंगे, और उसके बाद हम इसे हमारे स्कूल के म्यूजियम में ले जाएंगे। तो ये आपका एक चैप्टर था
तो जिसमें क्या था, कुछ गुड मैनर्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि किस टाइप से अशोक की एंट्री होती है स्कूल में, और किस टाइप से रवि, अशोक और आनंद ये तीनों आपस में बात करते हैं, वह कहीं कहीं घूमने जाते हैं, फिर वह अशोक को क्या करते हैं अपना स्कूल दिखाते हैं, और लास्ट में क्या होता है जब हेडमास्टर पूछता है कि आपको आपके स्कूल पसंद आया या नहीं आया, तो अशोक क्या बोलता है कि स्कूल हमें बहुत अच्छा लगा है, और लास्ट में वह क्या बोलता है कि अब हम कहाँ जाएंगे, इसके बाद जो हमने जितना घूमा है अभी, इसके बाद हम अशोक को हमारे स्कूल की लाइब्रेरी दिखाएंगे, मतलब साइंस की लेबोरेटरी दिखाएंगे, और उसके बाद क्या दिखाएंगे उनको, हमारी जो म्यूजियम है स्कूल का वह दिखाएंगे। तो ये आपका छोटा सा चैप्टर था जिस पर आपकी जो एक्सरसाइज है वह हम आपको आपके ग्रुप पर अवेलेबल करा देंगे। थैंक यू वेरी मच।